अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, यू वेलकम टू माय मेंटर यूट्यूब चैनल। टुडे VLW एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम होल यूनियन टेरिटरी अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। द पेपर लेवल हैज़ बीन ईजी टू मॉडरेट लेवल, वी कैन से। आई वेंट थ्रू द पेपर माई सेल्फ। सो नाउ आई वॉज गेटिंग सम टेक्स्ट्स फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, सर वी आर गेटिंग स्कोर ऑफ 70, हमारा स्कोर आ रहा है 80, स्कोर आ रहा है 90 आ रहा है, किसी का 95 एबो आ रहा है। तो आधे स्टूडेंट बहुत निराश दिखे मुझे, दोस्त वो आर इन 80, 85, 75 मेहनत करके। तो उनके लिए थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ 2-4 मिनट का। ये जो एग्ज़ाम्स है दिस आर कॉल्ड एज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएट होके आते हैं, फिर SSB के लिए पढ़ते हैं 1 साल 1.5 साल, तो उनको लगता है 1 साल पढ़ के मुझे, मैंने VLW का एग्ज़ाम दिया, कोई और एग्ज़ाम दिया, आई शुड क्लियर इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको समझना है कि मेरे साथ 1 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, मेरे साथ 1.5 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है। दोस्त जिन्होंने UPSC प्री दिया है, KS प्री दिया है, SI का एग्ज़ाम दिया है, FA 2 बार दिया है, पंचायत अकाउंट सेशन का एग्ज़ाम दिया है, 4-5 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो यू आर कम्पीटिंग विद देम। उनका चांस बनेगा वो 85 लाएंगे, 90 लाएंगे, 95 लाएंगे, वो बेचारे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरीज में बैठ के। यू आर वेरी न्यू, आपने खाली 1 साल पहले स्टार्ट किया है, अभी आपको एक्सपोजर नहीं है एग्ज़ाम्स का, कैसे मैनेज करना है प्रेशर एग्ज़ाम्स का। तो यू आर गेटिंग 70, 75, दिस इज़ गुड परफॉर्मेंस। तो बिगिनिंग में आप 75 ला रहे हो, अगर इफ़ यू विल कीप दिस मोमेंटम गोइंग ऑन फॉर वन एंड हाफ ईयर, डेफिनेटली यू विल क्रिएट एग्ज़ाम्स इन फ्यूचर। तो यहीं पे गिव अप नहीं करना होता है कि सर स्कोर बाकी से कम आ रहा है मुझे। अब वो देखना है वायर दे वायर वैन दे स्टार्टेड दे वर गेटिंग जस्ट 60, 50, अब 3 साल की मेहनत के बाद उनको आज 90 आ रहा है, 95 आ रहा है। तो अभी आपने 3 साल दिए क्या? आपने नहीं दिए वो 3 साल, आपने 1 ही साल दिया। एग्ज़ाम में डिफरेंट एरियाज़ के क्वेश्चन आते हैं, यू आर गुड इन मैथ्स, GS चेक किया जाएगा, आपका GS अच्छा है, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, आपका इंग्लिश अच्छा होगा, कंप्यूटर भी अच्छा होना चाहिए। So you have to make yourself a balanced student, a balanced aspirant who has knack of every subject. So that takes time. उसमें 2 साल लगते हैं, 1.5 साल लगता है। और पोस्ट भी ऐसे नहीं है कि 2000 पोस्ट है, 3000 पोस्ट है, पोस्ट होते हैं 500, उसमें ओपन के लिए बचते हैं 150 पोस्ट, 200 पोस्ट। तो ये टफ कंपटीशन, एक्सट्रीम कंपटीशन। तो पहले ही दिमाग में ये हमें ठान लेना होता है कि बहुत सारे लोग गिर जाएंगे। दिस इज़ नॉट ग्रेजुएशन कि मैंने 70 लाया मम्मा मेरी ग्रेजुएशन हो गई, आई गॉट 60%, मैंने 12th पास किया। दिस इज़ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। इवन गेटिंग 75, 76 कट ऑफ हो जाएगा, यू गॉट ड्रॉप्ड। तो पहले से ही दिमाग में लेना है कि आई कैन गेट ड्रॉप्ड देयर, इट्स नॉट कि आई विल गिव एग्ज़ाम, आई विल गेट द पोस्ट। तो वो रखना है दिमाग में इंसान को कि बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, और वो लोग पढ़ रहे हैं जिन्होंने मेरे से पहले स्टार्ट किया है इसके लिए प्रिपरेशन। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 90 से कम आ रहा है, 85 से कम आ रहा है, 80 से कम आ रहा है, हाँ पढ़ते रहना है। अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई FA का एग्ज़ाम किसी ने फॉर्म भरा होगा, वो FA के लिए पढ़ सकता है और 1 महीना 1.5 महीना, तो ही कैन पुश 75 to 85। उसका पेपर लेवल अगर अच्छा आया है, अच्छा आएगा, अकाउंटेंसी है उसमें, तो मे बी 85 वुड बी कट ऑफ, यू विल रीच देयर। सो यू डोंट हैव टू गिव अप हियर। तो इंसान को वो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, मैं देखूँ जो 95 ला रहा है कि इस बेचारे ने क्या किया। अरे यार, वो 4 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से पढ़ रहा है, ही डिजर्व्स टू गेट 95, ही डिजर्व्स टू गेट 100, ही डिजर्व्स टू गेट 105। मैं तो 1.5 साल से ही पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों अपने आप को इतना कंपेयर करूँ उसके साथ। हाँ, जब मैं दूंगी 2 साल, जब मैं दूंगा 3 साल अपनी स्टडी में, SSB एग्ज़ाम्स के लिए, KS एग्ज़ाम्स के लिए, अगर फिर मुझे स्कोर अच्छा नहीं आया तब मुझे निराश होना है। बिफोर स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन फीलिंग सैड, फीलिंग डिप्रेस्ड एंड ऑल आफ्टर पेपर, इट्स नॉट गुड। तो आपको ये चीज़ समझना है कि दीज आर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, इनमें अच्छे अच्छों के पेपर्स अच्छे नहीं जाते हैं, तो नयों की तो बात ही नहीं। टाइम लगता है इसमें, एवरी स्टूडेंट चाहे कितना काबिल क्यों ना हो, SSB का एग्ज़ाम क्रिएट करना होगा, KS का एग्ज़ाम क्रिएट करना होगा, इसमें टाइम लगता है। तो एग्ज़ाम से सीखता है, आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे टाइम मैनेज करना होता है, कैसे प्रेशर मैनेज करना है, किन एरिया से क्वेश्चंस बनते हैं, स्टैटिक खाली
जो डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स बोलते हैं यही पढ़ो इसी बुक से सब आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन कहीं से भी आता है, जो आपने टेंथ में पढ़ा था, जो ट्वेल्थ में पढ़ा था, जो कंप्यूटर आपने बचपन में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा था वो आज आपके सामने आया, जो सोशल मीडिया से आपने कुछ सीखा, न्यूज़पेपर से कुछ सीखता है इंसान, मूवीज से कुछ सीखता है, ट्रैवलिंग से कुछ सीखता है। सो एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। वो चीज़ समझनी है कि माई माइंड हैज़ टू बी ओपन वाइल प्रिपेयरिंग। द मोर टाइम आई विल गिव टू माई स्टडीज बेटर माई परफॉर्मेंस वुड बी। द ओनली थिंग दैट आई हैव टू डू, आई डोंट हैव टू गिव अप। हाँ, द डे यू विल गिव अप यू आर अ फेलियर। तो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर रेजिलेंट, यू विल शो दैट परसिवरेंस, देर विल कम अ टाइम जब आप क्रेक करोगे एग्जाम को। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। और जिन बेचारों का बहुत साल से पढ़ रहे हैं उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, दे हैव टू बी होपफुल। सो अल्टीमेटली इट इज होप दैट सस्टेन्स अस। और कोई बड़ा नहीं है यार, कोई IAS ऑफिसर KAS ऑफिसर नहीं बनना था, VLW है, यू कैन गेट अदर अपॉर्चुनिटीज। प्लस टू लेक्चर के पोस्ट आ रहे हैं, ND के पोस्ट आएंगे, बाकी पोस्ट आ रहे हैं, इवन डूइंग वर्क इन प्राइवेट। दिस नॉट द एंड ऑफ लाइफ। सो वी शुड नॉट टेक इट ऑन अवर हेड कि मैं VLW बनना है, नहीं बनी तो सोसाइटी क्या बोलेगी। यू विल बिकम बेटर देन VLW। सो यू हैव टू वर्क अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 24/7, देन दे विल पे यू 30,000। देर आर अदर गुड अपॉर्चुनिटीज एज वेल। यू हैव डन मास्टर्स, किसी ने PhD किया है, कोई MTech करके है, ही इज कैपेबल टू अर्न 80,000 पर मंथ। तो है जॉब्स है मार्केट में, हाँ उन पर थोड़ा सा अपने स्किल्स को होन करना है, देर आर अपॉर्चुनिटीज। सो वी शुड नॉट लिमिट अवर सेल्व्स टू ओनली वन पोस्ट कि ये नहीं निकला तो अब क्या होगा। बहुत कुछ होता है जिंदगी में, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। आपको सब्र करना है, अपनी अपॉर्चुनिटीज देखनी है कहाँ कहाँ मैं कर सकता हूँ। तो ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ डोंट फील सैड। आई एम टू ऑल माई फैंस जो मेरे YouTube चैनल पे वीडियोस देखते हैं, स्पेशली टू माई स्टूडेंट्स हु आर वेरी फ्रेश, जिन्होंने मेरे से पढ़ा था इकॉनमी सेक्शन, सम आई हैड टॉट पॉलिटी एज वेल फॉर VLW एंड फॉर एग्जाम। तो अच्छा परफॉर्मेंस है, यू आर वेरी फ्रेश, आपने 2021 में ग्रेजुएशन की है, सम हैड डन दियर ग्रेजुएशन इन 2022, तो यू आर वेरी फ्रेश, यू आर गेटिंग 80, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल। सो आफ्टर वन ईयर यू विल बी द पीपल हु विल बी गेटिंग 195, बिकॉज दोज हु आर गेटिंग 95 दे आर देयर इन फ्रॉम लास्ट 4 years। सो यू आर गिविंग गुड कॉम्पिटिशन टू दैम, टफ कॉम्पिटिशन टू दैम। जस्ट वन थिंग फ्रॉम माई साइड वुड बी कीप गोइंग, डोंट लीव, डोंट फील सैड, मोमेंटम जारी रखना है। वैसे एग्जाम्स क्वालिफाई होते हैं, आके ही एग्जाम किसी का नहीं निकलता है, पहले यू हैव टू फेस दैट हीट। वंस यू फेस दैट हीट देन रिजल्ट कम्स इन योर फेवर। सो आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। तो फ्रॉम माई साइड डोंट बी सैड, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, टारगेट अदर एग्जाम्स, पोस्ट्स आर कमिंग फॉर गर्ल्स इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सबमिट दैट फॉर्म, एंड फॉर एस्पायरेंट्स कैन स्विच देयर गियर्स टूवर्ड्स अकाउंटेंसी सेक्शन एंड अदर एरियाज ऑफ फॉर एग्जाम, दे कैन प्रूव देमसेल्व्स देयर। इफ देयर वॉज एनी सॉर्ट ऑफ weakness in preparation here, don't repeat that, learn from your mistakes, inshallah you will get better result. May Allah bless you all, see you in my next video. Usse pehle ek shaar bolta hu aapke liye, usually bolta hu apne video usme, Sarwar Iqbal ka sher hai, naho na umeed na umeed zawal ilm irfan hai, umeed mard momin hai khuda ke razdano mein, nahi tera nasheman kasr sultani ke gumbad par, tu shahi hai basira kar pahadon ki chattano mein. So that is what is written in Holy Quran. La taqnatu min rahmatillah, Allah ki rahmat se kabhi na umeed nahi hona hai. May Allah bless you all. Bye. Allah Hafiz.